हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में ना कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जिसमें भाई ना वन क्लिक में आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये मेरा 100% गारंटी है भाई, वन क्लिक में आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ना बारिश वाला PNG भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से फोटो एडिटिंग हुआ है। तो चलिए भाई, आप सबके लिए मैं फोटो एडिटिंग शुरू करता हूँ। मैं आ गया हूँ फोन स्क्रीन पे। आने के बाद यहाँ पे आपको ना Lightroom आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी कि अपने फोन स्क्रीन पे Lightroom को ला लीजिएगा। लाने के बाद यहाँ पे इसे Lightroom को हम ओपन करते हैं कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद ना यहाँ पे आपको एक प्रीसेट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको एक प्रीसेट दिखा देना हो, तो यही वाला प्रीसेट है फ्रेंड, देख सकते हैं यही प्रीसेट आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा ना, 3 डॉट का ऊपर ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 डॉट के ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे कॉपी यानी कि कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे कॉपी राइट कर लीजिएगा, कॉपी सेटिंग। यहाँ पे सेटिंग करने के बाद ना यहाँ से बैक हो जाते हैं। एंड बैक होने के बाद जो भी फोटो फ्रेंड आपको बनाना है ना, उसे आपको ले लेना होगा। तो मुझे ये फोटो को बनाना है, तो इससे मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लेने के बाद ना यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके ना फ्रेंड यहाँ पे पेस्ट सेटिंग दिखेगा, यहाँ पे पेस्ट सेटिंग दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके का लुक चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे लुक इसका चेंज हो गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऑरेंज वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा एंड इसको पूरा 100 रख लीजिएगा। एंड यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको 100 कर लीजिएगा एंड इसको लो कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे 15 इसको बढ़ा लीजिएगा। एंड यहाँ पे करने के बाद ना फ्रेंड यहाँ इसको आपको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे रखना होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का रख लीजिएगा। एंड रखने के बाद ना फ्रेंड यहाँ पे हम रख लेते हैं। एंड रखने के बाद यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसे गैलरी में सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेव कर लिया। एंड यहाँ पे सेव करने के बाद ना फ्रेंड आपको करना क्या होगा, यहाँ पे हम खोल लेते हैं Lightroom। यहाँ पे हम Lightroom खोल लेते हैं। यहाँ पे Lightroom खोलने के बाद मैं जो फोटो वहाँ से लिया रहूँगा, यानी कि जो Lightroom से बनाया रहूँगा, उसे हम ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो Lightroom से बनाया हूँ उसे ले लेता हूँ। यहाँ पे लेने के बाद ना यहाँ पे टूल्स वाला ऑप्शन दिखेगा, नीचे देख लीजिएगा टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। एंड इस पर क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे क्या कीजिएगा, एंड यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना फ्रेंड यहाँ पे जो इसका जो फेस रहेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा एंड इसको जूम आउट कर लीजिएगा, यानी कि छोट कर लीजिएगा इस प्रकार। एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा कुछ इस तरीके का। एंड बढ़ाने के बाद ना यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। एंड इससे बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ से एक आपको बैकग्राउंड यानी कि एक आपको प्रीसेट वो बैकग्राउंड देने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड ये दे रहा हूँ आपको, तो यहाँ से उस बैकग्राउंड का मैं लिंक ले लेता हूँ, यानी कि वो फोटो ले लेता हूँ बैकग्राउंड का। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, वो बैकग्राउंड ले लेता हूँ, यहाँ से ले लिया। एंड लेने के बाद ना यहाँ से क्या करना है ना फ्रेंड, यानी यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो ये वाला जो ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। एंड ऊपर देखिएगा, यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे हम ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक किए हैं, कर दिए। एंड यहाँ पे करने के बाद ना यहाँ पे व्यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे जो है पेंसिल जो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको पेंसिल वाला आइकन, यानी कि ये वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो सेट रहेगा ना, सेट पे कलर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सेट पे कलर करके दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए सेट पे कलर हो रहा है, आप भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं हल्का फुल्का कर लेता हूँ। तो अगर आपको फ्रेंड ये वीडियो पसंद आता है ना, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं टी शर्ट को जो है, जो टी शर्ट यानी कपड़ा को यहाँ पे कलर कर दिया हूँ। एंड यहाँ पे सेव कर लेता कुछ इस तरीके का। एंड सेव करने के बाद जो ये जो हाथ पे दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, इसको हमको क्या करना होगा, एंड इसको हम यहाँ से ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं यहाँ पे छोटा कर लिया। एंड छोटा करने के बाद ना कुछ इस तरीके का कर देते हैं। तो देख सकते हैं इसको थोड़ा सा कम रखिएगा। एंड यहाँ से देख लीजिएगा सेटिंग, इसको 34 रख लीजिएगा। एंड यहाँ पे इसको हल्का सा
कम कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे कम करने के बाद ना फ्रेंड आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बता दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे व्यूज वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ पे ब्रश वाले आइकन पे एंड यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको ब्रश कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे देख लीजिए, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है हाथ पे, उसको हम यहाँ से स्मूथ टाइप कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे स्मूथ टाइप कर लिया हूँ। एंड करने के बाद ना यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसे डन कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार। तो मैं यहाँ पे डन कर लेता हूँ। एंड डन करने के बाद आपको करना क्या होगा, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, इसे हम हटा देते हैं कुछ इस प्रकार से। देख लीजिए हट गया। एंड हटने के बाद ना फ्रेंड क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डन कर देना होगा। तो यहाँ पे डन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे हम इसे सेव कर लेते हैं कुछ इस तरीके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, इसे हम पिक शॉट में ले चलेंगे। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम पिक शॉट के अंदर लेके आ गए। एंड यहाँ पे क्या करेंगे ना फ्रेंड, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एंड यहाँ पे जो रहेगा ना, यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ऐड फोटो जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। एक यहाँ पे आपको पीएनजी देने वाला हूँ, वो अभी जो रिमझिम बारिश का है उसका पीएनजी आपको देने वाला हूँ। तो इसको क्या करेंगे ना, कुछ इस तरीके का कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का कर दिया हूँ। एंड यहाँ पे आपको करना क्या होगा ना, स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको ब्लर यानी कि आपको ये वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना फ्रेंड, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देख लेते हैं कई किस्म का है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन ट्राइक बढ़िया सा लग रहा है उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये लाइट वाला ठीक लग रहा है, एंड इसे हम ले लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या करेंगे ना, लेने के बाद इस पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे रबर वाले ऑप्शन पे। एंड ये जो दिख रहा है यहाँ पे इसके फेस पे, इसको हम हटा देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देख लीजिए यहाँ पे इसके फेस के ऊपर से हम हटा दे रहे हैं। एंड आप भी हटा लीजिएगा। एंड यहाँ पे क्या करेंगे ना फ्रेंड, यहाँ पे हटाने के बाद ना इसे हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए डन कर लेते हैं कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे डन कर लीजिए। एंड डन करने के बाद ना फ्रेंड, यहाँ पे एक और प्रीसेट देने वाला हूँ। यहाँ पे हम जो करेंगे ना फ्रेंड, यहाँ पे इस स्टिकर वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। एंड क्लिक करके ना यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए हम, मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा, यहाँ रिम झिम पीएनजी लिख लीजिएगा। एंड इस प्रकार से यहाँ पे एक पीएनजी आ जाएगा। तो यहाँ से हम एक पीएनजी ले लेते हैं कुछ इस तरीके का, देख लीजिए यहाँ से हम पीएनजी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए कुछ इस प्रकार से। आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस पीएनजी को लेंगे। तो उस पीएनजी कहाँ है वह हम आपको दिखा दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पीएनजी दिख रहा है ना, इसको हम लेने वाले हैं, ये वाला पीएनजी, इसे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस पीएनजी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके कर देंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके करके इसको छोटा कर लेंगे। और यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा। एंड यहाँ पे जो भी ब्लेंडिंग पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे उस इस तरीके का हो जाएगा। तो एंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको इसको लेना होगा कुछ इस प्रकार से। एंड यहाँ पे इसको लेने के बाद ना फ्रेंड, यहाँ पे आपको इसको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको पहला वाला, इसको करके यहाँ से क्या कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से कम कर लीजिएगा। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छी तरीके से इमेज हो गया एडिट। और इसे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सेव कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। एंड यहाँ पे सेव करने के बाद ना फ्रेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे जो ये टी शर्ट का कलर है, इसको हम कुछ इस प्रकार से जो भी अच्छा लगे उससे हम ले लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस टी शर्ट को आप ले लीजिएगा। एंड बैकग्राउंड यहाँ पे मेरे को ये रेड अच्छा लगा। एंड यहाँ पे हम इसे सेव कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे ना फ्रेंड, यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन को ले लेते हैं। एंड इसको लेने के बाद ना आपको करना क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे जो ऊपर रबर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे जो फेस पे दिख रहा है इसको कुछ इस तरीके का कम कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, फेस पे जो बैकग्राउंड दिख रहा था, इफेक्ट दिख रहा है, उसको हम हटा दिए हैं। एंड यहाँ पे हटाने के बाद क्या करेंगे ना फ्रेंड, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। एंड यहाँ पे पूरा बेहतर तरीके से सेव कर लिया। एंड सेव करने के बाद ना फ्रेंड, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, एंड यहाँ पे ये वाला आइकन दिखेगा, यानी कि आपको ये वाला प्लस प्लस दिखेगा। एंड इस पर आप क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है हेयर कट, इस पर हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का। एंड इसका भी बार कुछ इस टाइप का कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देखिए, इसका बार जो है, मतलब हेयर कट है, पीछे का बार है, उसको हम कुछ इस प्रकार सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे ऊपर के आइकन पे सेव करेंगे। एंड यहाँ पे जो इसका ओट है, इसको हम रेड करेंगे। यहाँ पे जो कलर पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे इस वाले आइकन पे, इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना फ्रेंड, इस वाले आइकन पे यहाँ पे देख लीजिएगा, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो ओट है, देख लीजिए यहाँ पे रेड हो रहा है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए रेड हो गया। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे कुछ इस तरीके का। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से एडिट हो गया। एंड आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।